हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है SSC सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ये एग्ज़ाम आप लोगों का 18, 21, 22 एंड 23 अगस्त को टोटल 8 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाएगा। बहुत ही दुखद सैड न्यूज़ आ रही है NTA की ओर से कि एक तो कैंडिडेट बहुत मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम देने पहुँचते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पर बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं, और फिर वहाँ से इतनी बुरी बैड न्यूज़ निकल कर आती है कि उस सेंटर पर चीटिंग हुई है। तो ये नोटिस है जो प्रेस रिलीज में दिया गया था 18 अगस्त को NTA की ओर से। ए टूल डिप्लॉय बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इन EPFO SSC एग्ज़ाम चेक इनफॉर्म इन प्रिजर्मिनेशन। तो इसमें क्या हुआ, आप लोग का जो तीन सेंटर है, कौन कौन से सेंटर है, एक तो आप लोग का नोएडा वाला सेंटर है सेक्टर 62 वाला, तो यहाँ पर चीटिंग हुई है। उसके बाद चीटिंग तो नहीं हुई है, मतलब वो कैंडिडेट पकड़े गए हैं, एक तो सेक्टर 62 वाला है, दूसरा आप लोग का एक रुड़की वाला है, और एक सेंटर आप लोगों का कोलकाता वाला है। तो ये तीन सेंटर है आप लोगों के, जहाँ पर क्या हुआ है मैं इस नोटिस को पढ़कर आप लोगों को बता देता हूँ। द NTA टुडे कोर्ट इम्प्रिजनेटर एट नोएडा कोलकाता एंड रुड़की, तीन सेंटर है हु हैड कम टू सिट फॉर द EPFO सोशल सिक्योरिटी एग्जामिनेशन। तीन कैंडिडेट आए होंगे या ज़्यादा कैंडिडेट होंगे जो किसी के बदले एग्ज़ाम देने आए थे SSC का, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का, एट ए सेंटर इन नोएडा सेक्टर 62। फेशियल रिकॉग्निशन चेक ए मैंडेटरी रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट एट द सेंटर हैड फेल्ड फॉर द कैंडिडेट। जब उनका चेकिंग फेशियल रिकॉग्निशन हो रहा था, वो फेल्ड आ रहा था बार बार। उसके बाद क्या किया गया, फॉलोइंग द अलार्म आधार ऑथेंटिफिकेशन चेक किया गया, और फॉलोइंग ऑथेंटिक हैज वाज इनिशिएटेड विच डिस्क्लोज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द एप्लीकेंट। तो उससे क्या होता है कि एक्चुअल पिक्चर एप्लीकेंट की आ चुकी थी, एक्चुअल पिक्चर अलग थी, और जो कैंडिडेट वहाँ एग्ज़ाम देने पहुँचा था उसकी पिक्चर अलग थी। तो ये एक तरीके का फ्रॉड हुआ है, कोई कैंडिडेट वहाँ पर किसी के बदले एग्ज़ाम देने आया था। ये तीन सेंटर है जहाँ पर चीटिंग तो खैर बाद में नहीं हुई है, क्योंकि उन तीन कैंडिडेट को पकड़ लिया गया है और उन तीन कैंडिडेट के द्वारा एग्ज़ाम नहीं दिया गया है। तो ये एक नोटिस था, अवेयर था आप लोगों के लिए कि NTA की ओर से तीन एग्ज़ाम सेंटर पर चीटिंग का मामला सामने आने वाला था। चीटिंग तो नहीं हुई है, बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर कोई अपडेट आएगी उसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूँगा। इन्होंने अपना एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है कि उससे इनको पता चल चुका था कि वो कैंडिडेट फेक कैंडिडेट है। और बाकी तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एनालिसिस मिली रही है, तो एनालिसिस जाकर के आप लोग देख लीजिएगा 18 अगस्त की दोनों शिफ्टों की। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर हाईस्ट चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए, जिससे NTA की ओर से अगर कोई अपडेट आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हाईस्ट चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।